लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की स्थिति आई और रोडवेज विभाग द्वारा कहां कहां पर अब बसें चलाई जा रही हैं और तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पानीपत डिपो जीएम जो डबवाल साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से अब रूट तय किए गए हैं और किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है ताकि इस कोरोना की वैश्विक महामारी से भी बचा जाए और लोगों को भी गंतव्य पर पहुंचाया जाए। अब किस तरह की तैयारियां हैं क्योंकि लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की स्थिति आई जीएम साहब, तो अब कैसे रूपरेखा तैयार की गई है रोडवेज की? हमने अपने स्टाफ से चर्चा की इसके बारे में और क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, अभी सरकार से इसके बारे में, जैसे हर वर्ष महिलाओं को मुफ्त यात्रा करवाई जाती थी, अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि पब्लिक को जो है ना सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। जैसे भी होगा हम सरकार के आदेशों की पालना करेंगे। अब रोडवेज में जैसे कि पहले था तमाम जगह बसें चलती थी, अब कहाँ कहाँ है, इंटर डिस्ट्रिक्ट चल रही है या इंटर स्टेट चल रहा है? अभी सरकार की हिदायत अनुसार हम इंटर डिस्ट्रिक्ट बसें चला रहे हैं और कुछ बसें हमारी शामली तक जाती हैं क्योंकि यहाँ पर यूपी का काफ़ी नज़दीक लोग रहते हैं और उनके सुविधा के अनुसार ही हम जो है ना पब्लिक को ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। दिल्ली की यदि बात की जाए, चंडीगढ़ की बात की जाए, तो वहाँ पर किस तरह की हिदायतें हैं और क्यों अभी बंद, लंबे समय से बंद क्यों हैं? जहाँ तक चंडीगढ़ का और दिल्ली का सवाल है, क्योंकि दिल्ली पूरी तरह बंद है, हम फिर भी पब्लिक को अपना जहाँ तक हमारा हरियाणा स्टेट लगता है बॉर्डर तक, वहाँ पर हम बसें उपलब्ध करा रहे हैं। इस तरह चंडीगढ़ के लिए हम यहाँ से पंचकुले के लिए बसें उपलब्ध करा रहे हैं। तो अब जीएम साहब ये भी बताएंगे कि जैसे कि अब रक्षाबंधन का त्यौहार है, हर बार बड़ी धूमधाम से सरकार द्वारा भी उन्हें वहाँ तक पहुँचाने का काम किया, कोई नोटिफिकेशन आई है सरकार की तरफ से इसको लेकर? अभी हमें सरकार के आदेशों के इंतजार है, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, फिर भी हमने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है उनके लिए। अब लोकल रूट की बात की जाए तो लोकल रूट भी अभी तक नहीं शुरू हुए हैं जिसके चलते, तो उसके लिए कोई गाइडलाइन है या खुद बंद किए हुए हैं अपने निजी तौर पर यहाँ पर डिपो? नहीं, अगर पब्लिक लोकल रूट की हमें डिमांड करती है तो हम वहाँ बसें भेजने के लिए हम तैयार हैं। अब जैसे कि पिछले साल की बात की जाए, लॉकडाउन में जून महीने की यदि बात की जाए, तो बसों रोडवेज को कितना घाटा हुआ है पिछले साल की कंपेरिजन? तो घाटे की बात करें तो 90% हमें लॉस चल रहा है पिछले साल से। अब जैसे कि कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान अप्रवासियों को भी यहां से भेजने में काफ़ी कारगर साबित हुआ रोडवेज विभाग, लेकिन उसके बावजूद आज उस इसको हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, पटरी पर पहिया रोडवेज का आए, कमाई हो तो सरकार को भी बेनिफिट हो, तो उसको लेकर कोई योजना बनाई गई है? इसके लिए जब तक ये महामारी है पूरी तरह से रोडवेज का जो पहिया चलना वो मुश्किल है। जैसे जैसे सरकार हमें हिदायतें देगी हम सरकार की पालना करेंगे। तो रोडवेज में 130 बसें लगभग हैं अपने बेड़े में पानीपत डिपो की, तो फिलहाल कितनी चल रही हैं और ख़ास तौर पर ज़्यादा रूट पर कौन सी पे चल रहा है? हमारे यहाँ दिल्ली बॉर्डर तक और पंचकुले तक, साथ में यूपी में शामली तक और हिसार तक बस सेवा उपलब्ध है। लगभग 60 बसों की एवरेज हमारी प्रतिदिन की आ रही है। अब जैसे कि रोज़ाना 10 लाख के करीब यहां पर जो है कलेक्शन होती थी, आज घट करके 3 हो चुकी है, तो इस नुकसान को कैसे भरपाई की जाए या उसको लेकर के क्या योजना बनाई? अभी तो कोई योजना नहीं है, जब तक ये जो महामारी है ये रहेगी, इसके जैसे सुधार होएगा तो हरियाणा रोड में समता हूँ तभी पटरी पे पूरी तरह आएगी। स्वास्थ्य विभाग को पिंक बसें दी गई हैं और उसको लेकर के क्या किराए पर दी गई हैं, किस तरह से, क्योंकि वहाँ ड्राइवर भी हैं और चीज़ है, तमाम चीज़ें लगती हैं, मेंटेनेंस भी है, तो उसको लेकर पत्र कुछ लिखा है सिविल हॉस्पिटल?
नहीं, ये तो डीसी के आदेशानुसार बसें उपलब्ध कराई गई हैं, और जैसे गाइडलाइंस होंगी हेडक्वार्टर से, अगर वो हेडक्वार्टर से लेटर आएगा भी उनकी पेमेंट लेनी है, लेकिन सरकार की मर्जी है। आखिरी सवाल, अब जैसे कि अन्य ऐसे रूट भी हैं जहां पर सवारियां आती हों, उसको किस तरह से आप भेजते हैं, उनको सुविधा कैसे प्रोवाइड कराई जाती है रोडवेज विभाग की तरफ से, जहां पर रूट नहीं है और कई बार यहां पर सवारियां भी हम देखते हैं आ जाती हैं, तो उसको लेकर के क्या योजना है? जिन रूट पर हमारी बसें चल रही हैं उन पर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इससे अलग प्राइवेट बसें भी चल रही हैं जो गांव के रूट हैं, उन पे प्राइवेट बसें चल रही हैं। तो ये थे जीएम पानीपत, उन्होंने बताया कि फिलहाल रोडवेज विभाग द्वारा यदि बात की जाए तो पिछले साल के औसतन काफ़ी नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन उसको लेकर योजना पूरी तौर पर बनाई जा रही है ताकि रोडवेज का पहिया फिर से सड़कों पर उतार कर रोडवेज को फिर अव्वल नंबर पर डिपार्टमेंट में लाया जाए, ताकि लोगों को भी सुविधा मिले और रोडवेज का पहिया भी निरंतर जारी रहे। बहरहाल ये बात स्पष्ट तौर पर निकल के आई, जहां लोकल रूट पर किसी को बस चाहिए वहां पर रूट के गांव के लोग यदि लिख कर देते हैं तो उस पर वह भी चलाई जाएगी। और उन्होंने यह भी दावा किया कि कोई भी गाइडलाइन यदि रक्षाबंधन को लेकर के आती है तो उसको लेकर रोडवेज विभाग पानीपत तत्पर तैयार है। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।